आज की वीडियो में हम लोग आर से लेकर टी तक 20 ऐसे इम्पोर्टेंट भर के बारे में बात करेंगे, 20 ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड के बारे में बात करेंगे जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं और इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ट्रांसलेशन में वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये सारे वर्ड। आर से लेकर टी तक बहुत सारे 20 वर्ड मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ, ये बताने वाला हूँ। और इसमें कुछ मिक्स वर्ड भी है, 4-5 वर्ड जो एक्स्ट्रा है, इसमें आर से लेकर टी तक है और 4-5 एक्स्ट्रा भी है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आप इस वीडियो को 4-5 बार देख लीजिए, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। और इससे पहले मैं ए से लेके आर से पहले जो होता है पी क्यू तक बहुत सारे वीडियो बना चुका, पार्ट बाय पार्ट बना चुका और एक लॉन्ग वीडियो बनाया जिसमें 100 वर्ड है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नंबर पे आर ए डी रीड, रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। सेकंड नंबर पे आर आई डी राइड, राइड मतलब क्या होगा, चढ़ना, ये सबको जानना जरूरी है। थर्ड नंबर पे आर आई एन जी रिंग, रिंग मतलब क्या होगा, बजना या बजाना। फोर्थ नंबर पे क्या है, एस डबल ई सी, सी मतलब क्या होगा, देखना। और ये सी में अंदर देखिए, ए सी ए, ये सी मतलब समुद्र होता है और ये सी मतलब देखना, स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है, दोनों का उच्चारण एक ही है, लेकिन ए सी ए अगर दिख जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, समुद्र, और एच डबल ई दिखा तो देखना बोलेंगे। और देखना का और दो वर्ड होता है, लुक होता है और वॉच भी होता है। सिक्स नंबर पे एस ए वाई से मीन्स कहना। सेवन नंबर पे ए सी डबल एस सेल मतलब क्या होता है, बेचना, सेल मतलब बेचना और बाय मतलब खरीदना होता है, उसका बता दिया हूं पहले। एट नंबर जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है आप देख सकते हो वहां पे। एट नंबर पे है ए सी एंड डी सेंड, सेंड मतलब भेजना। नाइन नंबर पे है एच डब्ल्यू आई एम स्विम, स्विम मतलब क्या होगा, तैरना, जैसे पानी में तैरना स्विम करता है। टेन नंबर पे एस पी ई ए के स्पीक, स्पीक मीन्स क्या होगा, बोलना। 11 नंबर पे टी ए के ए टेक, टेक मतलब हाथ में लेना, से हम लोग चाय लेते हैं, आई टेक टी बोलते हैं तो हाथ में चाय लेते हैं इसलिए टेक लगाते हैं। 12 नंबर पे है टी ई ए आर टीयर, टीयर मीन्स क्या होता है, फाड़ना, जैसे पेज को फाड़ते हैं, या टुकड़े टुकड़े करना, यानी कोई पत्थर है उसे क्या करेंगे, टीयर करेंगे, यानी टुकड़े टुकड़े करेंगे, टी ई ए आर टीयर, टीयर मीन्स फाड़ना या टुकड़े टुकड़े करना। 13 नंबर पे है सेलिब्रेट, सी ई एल ई बी आर ए टी सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब क्या होता है, मनाना, यानी कोई त्यौहार मनाते हैं तो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल को। 14 नंबर पे है ई ए आर एन अर्न, अर्न मतलब क्या होता है, कमाना, जैसे पैसा कमाते हैं उसे क्या बोलते हैं, अर्न। 15 नंबर पे टी ई एस सी एच टीच, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना। 16 नंबर पे है लाइफ स्टडी, स्टडी मतलब क्या होता है, पढ़ाई करना, एस टी यू डी वाई स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ाई करना। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है एल आई ई लाई, लाई मतलब क्या होता है, झूठ होता है, इस तरह 21 हो गए, यहाँ पे छूटा हुआ है। 17 नंबर पे है टी ई डबल एल टेल, टेल मतलब क्या होता है, बोलना या कहना, स्पीक मतलब भी बोलना है, बोलना या कहना होता है। 18 नंबर पे है वाइफ डब्ल्यू आई पी वाइफ, वाइफ मीन्स क्या होता है, पोछना, यानी पोछा मारना होता है ना, रगड़ कर साफ करना, वाइफ मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या है, ये डस्टर है तो क्या बोलते हैं, वाइप करना है इसको, क्या करना है, इरेज करना है, वाइप करना है, रब करना है, तो इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि रब करना है इसको, इरेज करना है इसको, वाइप करना है, वाइप भी बोल सकते हैं, यानी पोछना, इसको क्या बोल सकते हैं, पोछना। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, व्यायाम करना, जो इंग्लिश में अक्सर नहीं मिलता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ई एक्स सी ई आर सी आई एस एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करना। और एक होता है पी आर ओ एफ आई डी प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ होता है। और एल ओ डबल एस लॉस, लॉस मतलब क्या होता है, एक हानि होता है, लॉस, लॉस मतलब क्या होता है, एक हानि होता है। और दो वर्ड और होते हैं, एक कॉस्ट होता है, कॉस्टली होता है, कॉस्टली मतलब क्या होता है, महंगा, जैसे यहाँ पे देखिए सी ओ एस टी एल वाई, एक कॉस्टली होता है, कॉस्टली मतलब क्या होता है, महंगा, महंगा हो गया। और एक होता है चीप, चीप मतलब क्या होता है, सस्ता। तो कुछ और वर्ड है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे वर्ड जो थे वेरी इंपॉर्टेंट थे, तो ये हमेशा इंग्लिश ट्रांसलेशन में ग्रामर में यूज होते हैं। तो अगर इस प्रकार की रेगुलर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, एक मैसेज आएगा जिससे आप वीडियो को तुरंत देख सकते हैं। और यहाँ पे एक थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ पे टीच
यहाँ पे रीड और स्टडी ये तीनों में देखिए एक जैसा लग रहा है ना, लेकिन रीड का मतलब पढ़ना होता है, टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना होता है। रीड का मतलब देखिए खुद से पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, रीड मतलब पढ़ना, और अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, टीच, अलग अलग है ना। और एक स्टडी करना, स्टडी करना मतलब पढ़ाई करना यानी अध्ययन करना होता है।